Good morning, student. In previous video we have discussed half chapter. Now in this video we are going to discuss the rest of the chapter. अब यहाँ हम आगे पढ़ेंगे. यहाँ क्या है? Activity time. First, make a list of things bought at your home. Find out how much of each thing is bought at one time. These things can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onions, ginger, etc. यहाँ पे क्या करना है? आपको थिंग्स सूची का नाम लिखना है जो तुम्हारे घर पे ख़रीदा जाता है, और पता करो कि हर एक चीज़ का कितनी मात्रा में ख़रीदा जाता है. यहाँ पे कितना मात्रा उसका ख़रीदा जाता है ये लिखना है. ये चीज़ें जैसे क्या हो सकती है, जैसे आपके घर आता है राइस, यहाँ पे लिख देंगे. फर्स्ट क्या लिखेंगे? राइस. आपके घर में कितने वेट का आता है? जैसे मेरे घर 5 kg राइस आता है तो मैंने यहाँ 5 kg लिखेंगे. ऑयल आता है तो कितना kg आता है, तो 3 liter लिख देंगे. इस तरह से यहाँ पे आपको इसको कंप्लीट करना है. अब नेक्स्ट है क्या है? गेस देयर वेट्स एंड मैच. यहाँ पे क्या करना है? आपको गेस करना है और मैच करना है. फर्स्ट क्या है? यहाँ पे ब्रिप केस है, काउ है, वीट है, पपी है, एलिफेंट है और मैंगो है. इसको मैच कहाँ किससे करना है? यहाँ बीच में दिखा है कौन कितने केजी का है, आपको उससे मैच करना है. ब्रिप केस को हम लिख देते हैं 10 kg. लेस देन 1 kg. लेस देन 1 kg किससे मैच होगा आपका? तो हमको लगता है कि ये जो मैंगो है इससे मैच हो जाएगा. 400 kg मेरा काऊ से मैच हो जाएगा. मोर देन 1000 kg एलिफेंट, 80 kg वीट और 2 kg मेरा पप्पी से मैच हो जाएगा. इस तरह से हम मैच कर देंगे. नेक्स्ट क्या है? सी गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वे मोर देन 1 kg, विच वंस विल वे लेस देन 1 kg. किसका वज़न 1 kg से ज़्यादा है और किसका वज़न 1 kg से कम है? यहाँ पे क्या है? योर स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, ए ब्रिक, ए बिग पम्पकिन, योर पेयर ऑफ स्लीपर्स या शूज़. तो 1 kg से जो ज़्यादा है कौन कौन सा थिंग्स हो सकता है? एक स्कूल बैग, ब्रिक और एक बिग पंकी 1 kg से ज़्यादा हो जाएगा. और लेस देन 1 kg तो ज्योमेट्री बॉक्स, ए पेयर ऑफ स्लीपर 1 kg से कम होगा. यहाँ पे क्या कह रहा है? ब्रिंग ए बैलेंस एंड ए 1 kg वेट ऑफ योर वेट टू क्लास. यहाँ पे क्या कह रहा है? एक बैलेंस और 1 kg का वाट लेके, मतलब कि वेट का लेके आना है, और चेक इफ़ यू गेस वॉज राइट. आपको ये चेक करना है कि आपने जो लिखा है वो आंसर सही है कि रॉन्ग है. अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे क्या है? यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवियर. अब यहाँ पे क्या है? उस बैलेंस का इस्तेमाल करके हमको यहाँ पे बताना है कौन हेवियर है. तो ए वाटर बोतल, ए क्रिकेट बॉल, इस दोनों में से कौन हेवियर है? तो ए क्रिकेट बॉल इज़ हेवियर देन वाटर बोतल. क्रिकेट बॉल जो है वो क्या है? हेवी है वाटर बोतल से. योर शूज़ और योर पेंसिल बॉक्स, तो माय शू इज़ हेवियर देन माय पेंसिल बॉक्स. योर मैथ्स बुक्स और हिंदी बुक्स, कौन भारी है? तो माई मैथ्स बुक इज़ हेवियर देन माई हिंदी बुक. योर बैग एंड योर फ्रेंड्स बैग, तो इसमें जिसका भारी होगा उसको लिख देना है. तो माई बैग इज़ हेवियर देन माई फ्रेंड्स बैग. अब यहाँ पे क्या है? वे 1 kg ऑफ मर्ड और सैंड. आपको क्या करना है? एक 1 kg का मर्ड या सैंड लेके आना. डिवाइड इनटू इक्वली 2 bags, उसको क्या करना है? 2 bags में डिवाइड करना है. यूज़ द बैलेंस टू चेक इफ़ बोथ द बैग्स हैव इक्वल वेट, और देखना है कि ये क्या ये दोनों बराबर है. उसके बाद ईच बैग इज बैग ऑफ मर्ड इज़ योर 1/2 kg ऑफ वेट. मतलब कि ये जो एक बैग है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 kg वेट के बराबर हो जाएगा.
यूज इज टू वे सम्स अदर थिंग्स अराउंड यू, आप उससे के इसका इस्तेमाल करके अपने आसपास पास क्या चीज़ों को क्या करना है, तोलना है। यहाँ पे क्या करना है, कह रहा है मेक ए लिस्ट ऑफ, यहाँ पे लिस्ट बताना है, बनाना है जिस किसका, तो थिंग्स वेविंग लेस देन हाफ के जी, तो हाफ के जी से जो कम है उस चीज़ का यहाँ पे लिस्ट बनाना है, और हाफ के जी से ज़्यादा है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे शूज़, बेल्ट्स, वॉच, स्लीपर्स, ग्लोब्स, क्या है मेरा हाँ लेस देन हाफ के जी है, मोर देन ज़्यादा क्या क्या है, तो मेरा बैग हो सकता है, मेरा बुक हो सकता है, मेरा फैन, टीवी, टेबल, ये क्या है हाफ के जी से ज़्यादा है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे क्या है लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंस, मेक ए ट्रिप ऑफ योर नियरेस्ट जंक्स डीलर, वेजिटेबल शॉप एंड ग्रॉसरी शॉप, हैव ए लुक एट द वेट्स दे यूज, फाइंड आउट। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, हु यूजेस द बिगेस्ट वेट, कौन बिगेस्ट वेट का यूज़ करता है, तो एक जंक सेलर जो जंक डीलर जो होते हैं यूज़ द बिगेस्ट वेट, उसके पास ज़्यादा वेट रहता है। हु यूजेस द स्मॉलेस्ट वेट, कौन यूज़ करता है स्मॉलेस्ट वेट का, तो ग्रॉसरी शॉप जो होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं स्मॉलेस्ट वेट का यूज़ करते हैं। हैव यू, यहाँ पे क्वेश्चन है, हैव यू सी एनी ऑफ दिस बैलेंस, आप इस तरह के बैलेंस को देखे हैं ना, इससे यहाँ पे डिफरेंट टाइप का बैलेंस दिखाया गया है, आप इस तरह से भी बैलेंस लो करता है। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, इन विच शॉप्स वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेट्स, यहाँ पे डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, तुम्हें किस दुकान में नीचे दिए गए वेट को देखे हो अपने फ्रेंड से बातचीत कर कि यहाँ पे बताना है, तो हम कहाँ देखें आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, आई हैव सी सच वेट्स इन स्टोर्स विथ सेल्स ग्रेन्स, यहाँ गेहूँ चावल का दुकान पे आप इस तरह के वेट को देखे होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।